सभी दर्शकों को हमारा सादर नमस्कार और स्वागत है हमारे एफपी लाइव सेशन में। आज की खासियत यह है कि एफपी लाइव सेशन हम लोग हिंदी भाषा में कर रहे हैं और हमारे साथ शौर्य शुक्ला हैं, जो कि क्यूटी स्कूल एम्बेसडर की तरफ से आज हमें अपना कोई बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे। तो आगे जाने से पहले मैं चाहूंगी कि शौर्य अपने बारे में कुछ बोले, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दर्शकों को। हाय शौर्य। हाय, मेरा नाम शौर्य शुक्ला है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी हॉबीज है पपीज के साथ खेलना, क्रिकेट खेलना। अच्छा, बहुत जान के बहुत खुशी हुई कि तुमको पपीज भी पसंद है, क्रिकेट खेलना भी पसंद है, बहुत अच्छा लगा। शौर्य, आज तुम हम लोग को क्या दिखाओगे, कौन सा प्रोजेक्ट दिखाओगे, कैसा, क्या नाम है प्रोजेक्ट का? माई कैलकुलेटर अच्छा, तो कौन से लैब में सिखाओगे? ठीक एप है, सो तुम स्क्रीन शेयर करके हमको जरा दिखा दो दर्शकों को कैसा लगेगा प्रोजेक्ट। लैब। शौर्य काफी हमारे क्लासेस में शौर्य ही लीड रोल लेते हैं और काफी उसका इंटरेस्ट है कोडिंग में और वो उसने काफी अपने क्लासमेट्स को भी सिखाया है। शौर्य अभी प्रेजेंट कर रहा है, माई कैलकुलेटर प्रेजेंट हो रहा है। तो कि कैसे काम करता है ये, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन कैसे करता है काम? पहले हमें इधर फर्स्ट नंबर टाइप करना है, तो मैं टाइप करूंगा 6 और सेकेंड नंबर 3। तो अच्छा। अगर हम लोग एडिशन का आंसर होगा 9, सब्ट्रैक्शन का 3, अच्छा मल्टीप्लाई का 18 और डिवाइड का 2। और अगर हम अरे इस बटन को क्लिक करें तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वाह, ये ऐप आज आप हम लोग को सिखाएंगे बनाना, कैसे बनाते हैं? हाँ अच्छा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो आगे बढ़ते हैं, कैसे बनता है देखते हैं। ये रहा। तो पहले हम लोग डिजाइन पार्ट में, उससे पहले हम लोग इसे रीनेम करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ऐप लैब में करें, कौन सा प्लेटफॉर्म शौर्य? code.org। code.org में ऐप लैब में शौर्य हमें सिखा रहे हैं। अभी इधर मैं टाइप करूंगा माई कैलकुलेटर। और फिर इसे सेव कर दूंगा मैं। और फिर हम लोग पहले एक लेबल लाएंगे इधर, एक लेबल। और फिर उसका साइज हम लोग थोड़ा बड़ा करेंगे। ये लेबल है माई कैलकुलेटर। हाँ, अच्छा, तो ये लेबल हम लोग डाल रहे हैं माई कैलकुलेटर लिखने के लिए। अच्छा। अभी टेक्स्ट होगा माई कैलकुलेटर। हो गया। अभी हमें टेक्स्ट कलर ब्लू साइज थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, TA। और फिर हम इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं कि हमें बार बार कलर, टेक्स्ट कलर ना चेंज करना पड़े। तो ये क्यों हम लोग डुप्लीकेट करें ये लेबल्स, हम लोग क्या करेंगे इन लोग से? जैसे मैंने इधर लिखा था फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, और ये भी रिजल्ट। एक लेबल है। अच्छा, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और रिजल्ट का जो ये हम लोग क्या लेबल डालेंगे उधर। अच्छा ठीक है। अभी हम इसे प्रॉपरली पहले प्लेस करेंगे और फिर इसका टेक्स्ट मिटाएंगे और विड्थ और हाइट करेंगे। विड्थ होना चाहिए 145 अच्छा, और हाइट होना चाहिए 55। ऐसा इसके लिए भी 145 हाई और विथ 55 पहले से हो गया। अभी हम टेक्स्ट इरेज करेंगे।
इधर इधर लाएंगे। अभी इसका टेक्स्ट हम लोग डालेंगे फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर अभी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं अपने कैलकुलेटर ऐप को। साइज थोड़ा कम करना पड़ेगा फॉन्ट साइज। ट्वेंटी 27 ठीक है। और फिर हम लोग इसमें भी सेम इसका टेक्स्ट होगा सेकंड नंबर। अच्छा हो गया। और फॉन्ट साइज थोड़ा कम 27। ये हो गया। अभी इसका टेक्स्ट पहले हम लोग फॉन्ट साइज कम कर लेते हैं। और फिर टेक्स्ट इट इज इससे पहले मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ अच्छा क्योंकि इसके आगे वाला भी एक लेबल है। ओ और अच्छा इसका अच्छा टेक्स्ट होगा रिजल्ट। अच्छा डुप्लीकेट है शॉर्टकट, इससे एक ही प्रॉपर्टीज रह जाता है कि नहीं। और फिर हमें सबका आईडी डालना। अच्छा फर्स्ट नंबर लेवल अच्छा इसमें सेकंड नंबर लेवल हो गया। और ये 3 नंबर हटा देंगे। ठीक है इसका रिजल्ट लेबल कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक है गया। हाँ अभी हमें एक और हमें जो लेबल लाया था उसमें हम बस एक बैकग्राउंड कलर डाल देंगे। बैकग्राउंड कलर, अच्छा ताकि पता चले उधर है कुछ हाँ लेबल। अच्छा ये कॉल है। ये कलर ठीक है। अभी ठीक है हम लोग लाएंगे टेक्स्ट इनपुट्स 2। टेक्स्ट इनपुट और क्यों क्यों डाल रहे हम लोग। जो मैंने इधर डाला था नंबर्स लिखने के लिए उसके लिए। अच्छा नंबर टाइप करने के लिए हम लोग जो डाल रहे हैं नंबर उसके लिए टेक्स्ट इनपुट चाहिए हमें। और अच्छा फिर इसका विड्थ होना चाहिए 145। अच्छा हाइट विथ 145। अच्छा अच्छा 145। वन और फिर इधर ला देंगे। फोर्टी अभी इसको डुप्लीकेट कर देंगे और इधर ला देंगे। तो हमने इसका कर लिया। अभी हम लोग बटन्स का करेंगे। अच्छा बटन्स मतलब वो किस लिए चाहिए हमें बटन्स। जो मैंने इधर डाले थे ओ ये प्लस इनटू डिवाइड सब्ट्रैक्ट। अच्छा अच्छा ये सारे के लिए बटन्स चाहिए। क्लियर भी बटन है क्या। और क्लियर भी एक बटन ही है। अच्छा तब 5 बटन चाहिए होगा। ठीक है टोटल 5 चाहिए। उससे पहले हम लोग इन सब में बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं ठीक है तो और क्योंकि अच्छा लोग हम लोग डेकोरेट कर बैकग्राउंड देते। डालेंगे। और हम लोग बैकग्राउंड डालेंगे तो उससे भी पहले मैं चेक कर लेता हूँ इसका है। तो मैं बैकग्राउंड कलर के टेक्स्ट को कॉपी कर लूंगा। अच्छा ये आराम से हो जाए बैकग्राउंड कलर। अच्छा तो पेस्ट करने से ही हो जाएगा। अरे वाह हो गया। ओ वाह इसमें पहले मैं फुल हो गया। अरे वाह मैं भी
और फिर इसमें हमें जरूरत नहीं है, इसका भी हम हटा देते हैं अभी। बैकग्राउंड अच्छा ठीक है। कलर बस इसको बॉर्डर रख दे देंगे। बॉर्डर देने से वो बॉर्डर, हाँ बॉर्डर आ गया, ठीक है। अच्छा अभी बटन्स हाइट और विड्थ 65 65। हो गया तो ये स्क्वायर है ना, अभी इधर थोड़ा ऊपर ले जा रहे हैं ताकि स्पेस मिल जाए। इसको हम लोग टेक्स्ट रिलीज कर देंगे। ठीक है, अभी बैकग्राउंड कलर वाइट कर देंगे। अच्छा। ठीक है, और फिर डुप्लीकेट टोटल 4। अभी अच्छा, 4 बटन इधर हम लोग। लोग आईडीज डालेंगे। अच्छा तो 4 बटन हम लोग ऐड कर, मतलब इधर बटन को डिजाइनिंग में 4 बटन हम लोग डाल चुके हैं, अभी सबका आईडीज दे रहे हैं। ये है बटन 2, इसका आईडी हम लोग देंगे मल्टीप्लाई, तो इसका हम लोग बस फर्स्ट 3 लेटर्स काफी ठीक है। है। और फिर ये वाला इसका होना चाहिए ऐड, और फिर इसका सब्ट्रैक्ट से पहले 3 लेटर्स और इसका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई दिए क्या ना हम लोग, दिए ना पहले, एक बार देख, एक बार चेक कर ले चारों का। हाँ देखिए ये ऐड है, हाँ ये ये सबट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट और ये मल्टीप्लाई, इसको चेंज करना पड़ेगा। और डिवाइड का डिव, ठीक है। फिर हो गया, अभी एक और बटन चाहिए हमें तो। हाँ और फिर इनमें हम लोग टेक्सचर आइकन्स डालेंगे। अच्छा, तभी हम लोग क्या इसका बैकग्राउंड व्हाइट कर दिए। 75 विथ 75, ठीक ये इन थोड़ा बड़ा रहे, इट है ठीक है। इज फॉर। और फिर हम लोग इसमें आइकन्स डालेंगे, आइकन्स अच्छा आइकन स्कैटर डाल रहे हैं। अच्छा एड, अरे ये वाह। देखिए इसका कैसे हम जा रहे लोग, हैं, नीचे जा रहे हैं, इमेज के पास चूज में क्लिक कर रहे हैं। और फिर आइकन्स अच्छा और इसका होना चाहिए अरे वाह। इसका चूज आइकन्स मल्टीप्लाई, और फिर इसका इमेज चूज करेंगे आइकन्स डिवाइड का आइकन, इधर नहीं इधर आइकन्स नहीं, डिवाइड का आइकन नहीं है, तो हम है। लोग मैंने आइकन डाउनलोड किया है तो हम उसे डाल कहाँ से डाउनलोड किए हो शौर्या? गूगल गूगल से। हाँ से। अच्छा, इमेज पिक्चर एक डाउनलोड करके वो अभी तुम अपलोड कर रहे हो, ठीक है। मैंने इसलिए सबका व्हाइट डाला था, वरना आधा में येलोइश दिखता या फिर अच्छा कोई भी कलर होता, इसलिए मैंने सबका व्हाइट डाला।
बस इसका मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये अरे थोड़ा अलग है। क्लियर क्लियर का थोड़ा चेंज कर दे रहे हो, ठीक है। और फिर अभी हमें इसका टेक्स्ट देना। पहले आईडी भी चेंज कर देते हैं, प्लीज। ठीक है, ठीक पर टेक्स्ट क्लियर, है, और फॉन्ट साइज थोड़ा और बड़ा। ठीक है, बिल्कुल। अभी कोडिंग पार्ट। अच्छा, डिजाइनिंग हो गया। हाँ, बस इतना ही था। अच्छा, अभी हम लोग कोट करेंगे और इसको, हम लोग एंड में इसमें बैकग्राउंड डाल देंगे। मैंने ठीक है? ठीक है, बताया, और अच्छा। पहले इसका आईडी होना चाहिए एड, ऐड के लिए हम लोग कोड कर रहे हैं। अच्छा, और फिर गेट नंबर, आई मीन सेट नंबर, और फिर मुझे इसका नहीं मिल रहा, तो हम लोग चेक करेंगे। और हम अच्छा, लोग इसके ऊपर अपना माउस लाए तो हमें पता चलता है कि लेवल 5। मैंने इसे आपको दिखाने के लिए किया, अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ आईडी। और ऐसे करके भी हम लोग आईडी यदि भूल जाए देने, तो हम लोग वैसे करके भी आईडी चेक कर सकते हैं कि कौन सा आईडी है, माउस को उसके फिर ऊपर लाकर, एलिमेंट जो भी लेबल है या बटन है। सर कोडिंग अच्छा, पार्ट में अभी आ गया होगा रिजल्ट आंसर। ये थोड़ा टाइम लेगा शायद। हाँ, बाहर क्लिक करके चेक कर सकते हो एक बार फिर जाके, हमको लगा दिखा थोड़ा। शायद मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, तो रिफ्रेश करने से फिर वो आ जाएगा। अच्छा, आईडी चेक करो। रिजल्ट आंसर ये हाँ रहा। करेक्ट, और फिर इधर हम लोग पहले मैथ ब्लॉक लाएंगे, एडिशन का ऑपरेटर इधर, अच्छा, क्योंकि हम और लोग को ऐड फिर करना है। ये ब्लॉक इधर, और ये ब्लॉक इधर। कीज तो गेट नंबर किस लिए डाल रहे हैं हम लोग? में दिखा रहे कि इन दोनों में आपको नंबर मिलेगा और फिर उसका अरे एडिशन करना है। वाह, बहुत अच्छा समझाए। सेक्शन बुक 1, सेक्शन बुक 2। अभी अच्छा, मैं इसे शो टेक्स्ट मोड पे करूंगा और फिर इसे कॉपी कर लूंगा। ये टेक्स्ट मोड में जाके आप तुम कॉपी कर रहे हो। अच्छा, और फिर मैं इधर पेस्ट कर दूंगा, टोटल 4 बार पेस्ट। अब हम चार चाहे बार तो, क्यों? चार हम लोग का ये है। अच्छा, अभी एडिशन सब्ट्रैक्ट। मैं इधर ही आईडी चेंज कर देता हूँ, अच्छा, इधर भी ऐसे करके भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि अभी मैं इस टेक्स्ट को इरेज करूंगा हाँ, और अच्छा, फिर ये सब्ट्रैक्ट, और फिर ये हो गया थोड़ा सा स्पेस। ठीक स्पेस है, देने। अभी हम लोग इधर इस प्लस को हटा के माइनस, तो स्पेस क्यों दिए हम लोग का? तो आईडी में क्या स्पेस था? अच्छा नहीं उसके लिए नहीं, थोड़ा सा स्पेस इधर था ना इसलिए। अच्छा 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 और फिर ये ठीक है, अभी हमें इसका इसका क्या करेंगे? इसका हमें Shift+8 क्लिक करना होगा, क्यों, हम लोग कौन सा जा रहे हैं? ये वाला, ऑपरेटर, ये कौन सा ऑपरेटर, ये क्या काम करेगा ये ऑपरेटर? ये देखिए, ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर। ओ, मल्टीप्लाई। अच्छा, और इसका होगा डिवाइड ऑपरेटर, हो गया। और फिर इसको शो ब्लॉक मोड, जिसे आराम अच्छा। से हो चुका है। अभी बस हमें
आईडीज क्या चेंज करना है हमें, बाकी सबका आईडी आईडीज चेंज करना है वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्या ब्लॉक मोड में से? हाँ ब्लॉक मोड में ऐसे देखे कैसे, इसको आई मल्टीप्लाई अच्छा और इसका डिवाइड हो गया। वो सब करेक्ट है सब जो हाँ सब, अच्छा ठीक है। और फिर हाँ अभी हमें क्लियर बटन का, अच्छा अभी क्लियर बटन के लिए हम लोग कोड कर रहे हैं। हाँ और फिर सेट टेक्स्ट क्लियर बटन में हमारे जो जो भी सब कुछ मिट जाएगा। और फिर इसका आईडी होना चाहिए इनपुट वन, इसका टेक्स्ट इनपुट टू और फिर इसका रिजल्ट आंसर ये वाला। और फिर हमने इस टेक्स्ट को इरेज इरेज करेंगे स्पेस से भी, फिर अच्छा तो पूरा ब्लैंक स्पेस हो गया। अच्छा अभी हम लोग अगर चेक करें उससे पहले मैं इसमें बैकग्राउंड डाल देता हूँ। अच्छा कैसे डालोगे? मैं इमेज वाले पे आप लोग बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हो या तो ऐसे भी, कैसे डालोगे? मैं मैं अपलोड वेट कर रही करूंगा हूँ। अच्छा क्या लोगे? ये। ओह कैलकुलेटर एक बैकग्राउंड है, एक पिक्चर। इससे साइड में कैलकुलेटर भी है अरे और वाह। फिर हमारा प्रोजेक्ट हो गया। अभी हम लोग इसे चेक करेंगे, इसमें नॉर्मल से नॉर्मल नंबर ही डालूंगा, टू डालूंगा ठीक है और इधर फोर डालूंगा। अच्छा देखते एडिशन का आंसर है सिक्स। सिक्स और फिर सब्ट्रैक्शन का टू, माइनस टू हाँ मल्टीप्लाई का एट और डिवाइड का 0.5। वाह अभी हम लोग कोई ऐसा नंबर डालते हैं, हम लोग फर्स्ट में तो क्लियर क्लियर करके इसके देखिए पहले पहले। मैं क्लियर कर लेता हूँ, हाँ उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं 6 3 जो मैंने पहले भी नंबर डाला है, इसका 9 आंसर होगा और मल्टीप्लाई का 18, सबट्रैक्ट का 3 और डिवाइड का 2। अरे हमें वाह इसका टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा करना चाहिए ठीक और है। इसका ब्लू से कोई और कलर। अच्छा ठीक है, थोड़ा और हम लोग थोड़ा डिजाइनिंग में थोड़ा और भी थोड़ा चेंजेस ला रहे हैं ताकि और भी दर्शकों को अच्छी तरह से दिखे। और इसका होना चाहिए टेक्स्ट कलर हम लोग डाल देते हैं रेड, ठीक होगा हम लोग चेक करते हैं वापस से करते हैं। हाँ थ्री एड, अब अच्छा आ रहा है, हाँ अभी प्रॉपरली भी दिख रहा है, हाँ अभी इसको क्लियर और हमारा प्रोजेक्ट खत्म। अरे वाह शौर्या तुमने कितना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, मैं क्या बोलूं, मुझको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। और क्या अच्छा लगा पता है शौर्या, तुमने टेक्स्ट मोड में भी जाके दिखाया, वो भी अच्छा लगा। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये प्रोजेक्ट देखकर। तो हम मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा तुम ये एक और थोड़ा सा डिटेल्स में बताओ कि शेयर कैसे करें प्रोजेक्ट को, मैं यदि हम लोग दर्शकों। हाँ ये बटन क्लिक करेंगे अच्छा और फिर इसे हम लोग ऐसे कॉपी करेंगे और फिर मैं इसे गूगल पे अगर मैं इधर डाल देता हूँ अच्छा एंटर क्लिक कर दूंगा तो ये आ अभी आ गया वो। जाएगा अगर आ गया जैसे कि तुम शुरू में दिखाए थे ना एकदम आउटपुट। अच्छा अच्छा सॉरी इधर टेस्ट करके देखे अपना कैलकुलेटर ऐप। हाँ, इसमें हम लोग कुछ अलग डालते हैं एट और इसका एट होगा ठीक है। टू
12 हाँ मल्टीप्लाई 32 माइनस सब्ट्रैक्ट 4 और डिवाइड 2। आप भी क्लियर बटन क्लिक, सब कुछ क्लियर हो गया। वाह शौर्य, बहुत बहुत अच्छी तरह से तुमने समझाया, और हम मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ सेशन करके। तुम वो कैलकुलेटर पेज पर ही रख सकते हो ताकि वो ऐप दिखे सबको, और बहुत अच्छा लगा। और तुम आए हमारे FB लाइव में और अपने मातृभाषा हिंदी में तुमने ये समझाया, ये बहुत अच्छा लगा, और कितने अच्छी तरह से तुमने इसको एक्सप्लेन किया, टेक्स्ट मोड में भी और ब्लॉक मोड में भी, और उस तुमने सारे एलिमेंट्स का जो एक्सप्लेनेशन दिया वो भी हमको बहुत अच्छा लगा। तो मैं तुमको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ फेसबुक लाइव में आने के लिए, और ऐसे अनेक लाइव होंगे, मैं आशा करूंगी तुम और भी पार्टिसिपेट करो। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद शौर्या, थैंक वेलकम यू, मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। ओके बाय शौर्या, फिर बाय मैम।